दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक के साथ जीरो सेविंग्स वाला एक्सिस ऐसा अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो आप ये वीडियो आखिर तक देखो। इस वीडियो को देखने के बाद इस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशंस और इस अकाउंट के चार्जेस को देखते हुए आप इस अकाउंट को कभी भी खोलने के बारे में सोचोगे भी नहीं। दोस्तों ये जो अकाउंट है इसमें आपको जनरली 3.25% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन बैंक क्लेम करता है इसमें आपको अप टू 6.40% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ये बात सच है, आपको 6.40% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा बैलेंस हो तो वो जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट कर FD में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, और उस बैलेंस के ऊपर आपको FD की तरह ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों अगर ये अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो तो इसमें आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ का। दोस्तों ये जो इनिशियल डिपॉजिट आप दोगे, ये इनिशियल डिपॉजिट आप बाद में विड्रॉ भी कर सकते हो और इसके लिए बैंक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, ये इनिशियल डिपॉजिट आप मिनिमम 10,000 दे सकते हो और अगर आपका मर्जी हो तो आप इससे ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन आप 92,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, ये बैंक का पॉलिसी है। दोस्तों अगर आप ये अकाउंट ओपन करना ही चाहते हो तो इस अकाउंट में आप इनिशियल डिपॉजिट 11,000 का देना। दोस्तों अगर आप 11,000 का इनिशियल डिपॉजिट दोगे तो उसमें आपको 2,000 एक्स्ट्रा एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों ये जो अकाउंट है इसमें आपको जीरो मेंटेनेंस मिलता है, यानी कि अगर आप कोई भी एरिया से हो, अर्बन हो, रूरल हो, मेट्रो हो, आपको इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं इस अकाउंट के साथ आने वाले डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो अकाउंट है इसमें आप वीसा का डेबिट कार्ड मिलता है, जिस डेबिट कार्ड का नाम है ऑनलाइन रिवार्ड्स। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है ये आपको अकाउंट ओपन करने के साथ ही इंस्टेंटली मिल जाएगा आपके एक्सिस मोबाइल ऐप में। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है ये डेबिट कार्ड वर्चुअल फॉर्म में जब आपको मिलेगा ये डेबिट कार्ड फ्री होगा। पहले क्या होता था कि ये जो अकाउंट है इसमें सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता था, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो ही आपको फिजिकल डेबिट कार्ड दिया जाता था, उसके लिए चार्जेस लगता। लेकिन दोस्तों अभी कुछ सीन ऐसा है कि एक्सिस बैंक ने ये रूल कर दिया है कि हर एक कस्टमर को जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो लेना ही पड़ेगा और उसके लिए चार्जेस भी देना होगा। दोस्तों ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड है ये आपके घर पर बैंक डिलीवर करवा देगा, उसके लिए जब ये डेबिट कार्ड एक्टिव होगा उसके ऊपर आपको इश्योरेंस फी लगेगा 500 रुपीज़ प्लस 18% GST का। और दोस्तों ये जो फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पे जब आएगा और इस डेबिट कार्ड से आप फर्स्ट कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड ऐप में था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट को जॉइंटली ओपन करना चाहते हो, लेकिन आप इस अकाउंट को जॉइंटली ओपन तभी कर सकते हो जब आप इसका फुल KYC कर लोगे, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे फुल KYC के बारे में। दोस्तों ये जो जॉइंट अकाउंट खोलोगे इसमें अगर जॉइंट पर्सन के लिए डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो उसके ऊपर भी आपको सेम 500 रुपीज़ प्लस 18% GST का चार्जेस लगेगा। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है ये डेबिट कार्ड लेने के अगर 30 डेज के अंदर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो ट्रांजेक्शन अगर 500 रुपये से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर आपको 2,500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के लिमिट के बारे में। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है ये जो वर्चुअल फॉर्म में आपको जब मिलेगा उसका लिमिट रहेगा 1,00,000 रुपीज़, यानी कि आप पर डे उस डेबिट कार्ड से 1,00,000 का ही शॉपिंग कर सकते हो। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड फिजिकल फॉर्म में आपको जब डिलीवर हो जाएगा तब उसका लिमिट चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका डेली कैश विड्रॉल लिमिट होगा 1,00,000 रुपये का और परचेस लिमिट होगा 5,00,000 रुपीज़ पर डे। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है इससे आप फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो फ्री में अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, यानी कि अगर आप मुंबई, दिल्ली, NCR, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो इन 6 मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के और कोई सिटी से बिलोंग करते हो तो आप पर मंथ 5 ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के ऊपर लगने वाले चार्जेस के बारे में। दोस्तों अगर आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है और आप ATM विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर आपको 25 रुपीज़ प्लस 18% GST का चार्जेस लगेगा। दोस्तों ये जो 3 और 5 लिमिट से ये फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट्स खत्म हो जाने के बाद पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको 20 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा प्लस उसके ऊपर आपको 18% का GST लगेगा। और दोस्तों नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन आपको 8
0.5 रुपीस का चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी लगेगा। दोस्तों अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, और अगर आपसे बैलेंस चेक करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो वो एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। दोस्तों अगर इस डेबिट कार्ड को आप फ्यूचर में रिप्लेस करते हो तो उसका चार्जेस होगा 300 रुपीस प्लस 18% जीएसटी। अगर इस डेबिट कार्ड से आप इंटरनेशनली कैश विड्रॉल करते हो तो उसके लिए आपको 125 रुपीस प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा, और अगर आप इंटरनेशनली इस डेबिट कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो उसके लिए आपको 25 रुपीस प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के साथ आने वाले इंश्योरेंस कवरेज के बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 1 करोड़ रुपीस का। अगर आप किसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो और उस फ्लाइट का टिकट आपने इस डेबिट कार्ड से खरीदा है और जो फ्लाइट है एक्सीडेंट करके आपका डेथ हो जाता है तो आपका जो नॉमिनी होगा उसको 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल कवरेज का बेनिफिट मिल जाए। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको परचेस प्रोटेक्शन का कवरेज मिलता है अप टू 50,000 और विद इन 90 डेज। अगर आपके घर पे चोरी हो जाता है या फिर आपका घर आग लगने से डैमेज हो जाता है तो आपने जो चीज़ खरीदा था वो चीज़ अगर डैमेज हो जाता है तो आपको उसके ऊपर अप टू 50,000 का कवरेज बैंक प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो 3 महीने के लिए। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इंटरनेशनल लॉस बैगेज और डिले चेक इन बैगेज का कवरेज मिलता है अप टू 500 US डॉलर। दोस्तों अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के ऊपर जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको जनरली 2 तरह के रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलता है, एक है 1x और एक है 3x। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पे स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, यानी कि हर 200 रुपये स्पेंड करने पर आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मर्चेंट आउटलेट पे स्पेंड करते हो तो हर एक 200 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है इसके ऊपर आपको बुक माई शॉप से पर मंथ टिकट के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों ये जो डेबिट कार्ड है इसको यूज करके आप एक्सिस बैंक के डाइनिंग डिलाइट प्रोग्राम पार्टनर रेस्टोरेंट है एक्सिस बैंक के उसके ऊपर अगर आप जाके खर्चा करते हो तो उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अगर इस डेबिट कार्ड के ऊपर अगर आप 1 साल में 1 लाख या फिर उससे ज्यादा का खर्चा करते हो तो उसके ऊपर आपको 5,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट फ्री में मिलेगा। दोस्तों ये जो अकाउंट है इस अकाउंट के ऊपर आपको जनरली चेकबुक का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट को फुल केवाईसी में अपग्रेड करते हो ब्रांच विजिट करके तो उसके बाद आपको इस अकाउंट में चेकबुक का फैसिलिटी मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आपको 20 पेजेस के एक चेकबुक के लिए 100 रुपीस प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों ये जो अकाउंट है इसमें अगर आप फुल केवाईसी करते हो तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है और उसमें आपको अपना सिग्नेचर देना पड़ता है और फोटो अटेस्टेड करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन इसके लिए भी आपको चार्जेस लगेगा। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों अकाउंट के ऊपर जो लगने वाले चार्जेस है उसके बारे में। दोस्तों इस अकाउंट पे आपको कोई भी कैश डिपॉजिट का सर्विस नहीं मिलता। दोस्तों अगर इस अकाउंट में आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो आपको ऑनलाइन किसी मेथड से या फिर किसी और अकाउंट से ट्रांसफर करके करना होगा, नहीं तो अगर आप फिजिकली बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करोगे दोस्तों तो उसके ऊपर चार्जेस लगेगा। दोस्तों आप 1,000 रुपीज डिपॉजिट के ऊपर 5 रुपए का चार्जेस लगेगा, लेकिन दोस्तों ये चार्जेस आपको मिनिमम 150 रुपीज लगेगा ही दोस्तों। दोस्तों इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। दोस्तों मान लो आपने बैंक में जाकर 25,000 का डिपॉजिट किया तो उसके ऊपर 0.5% के हिसाब से चार्जेस होता है 125 रुपीज, लेकिन दोस्तों आपको इसके ऊपर 150 रुपीज का चार्जेस लगेगा। और दोस्तों अगर आपने बैंक में जाकर 40,000 का डिपॉजिट किया तो उसके ऊपर जो चार्जेस है वो है 200 रुपीज, यानी कि अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे तो आपको मिनिमम 150 रुपीज का चार्जेस लगेगा ही। दोस्तों इसमें आप कैश डिपॉजिट मत करना इस अकाउंट। दोस्तों इस अकाउंट के ऊपर आपको NEFT RTGS और IMPS फुल्ली फ्री में मिलता है। अगर आप ब्रांच से करोगे तो भी फ्री है, अगर आप खुद ऑनलाइन करोगे तो भी फ्री है। दोस्तों अगर इस अकाउंट पे आप कोई भी चेक डिपॉजिट करते हो बैंक आपको एक सुविधा देता है जिसको कहते हैं स्पीड चेक क्लियरिंग, के तहत बैंक आपका चेक बहुत जल्दी क्लियर कर देगा। दोस्तों अगर आपका चेक 1 लाख के अंडर आता है यानी कि 1 लाख रुपीज से कम है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका चेक 1 लाख के ऊपर होगा तो उसके लिए आपको फ्लैट 150 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल अपने ऑटो डेबिट के ऊपर सेट कर रखा है और वो
आपके अकाउंट में बैलेंस ना रहने के कारण बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर आपको 300 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपने किसी एसआईपी किया हुआ है अकाउंट से जिसका पेमेंट हर महीने कट जाता है और उस टाइम पे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा तो उसके ऊपर आपको 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपका आउटवर्ड चेक बाउंस हो जाता है तो उसके लिए आपको 250 रुपीज का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपका इनवर्ड चेक बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर आपको 650 रुपीज का चार्जेस लगेगा। दोस्तों ये जो आउटवर्ड चेक है इसमें आप इतना समझ लो कि आपका जो बैलेंस है वो इंक्रीज होता है, यानी कि अगर आपने चेक डिपॉजिट किया है तो उसको आप आउटवर्ड चेक बोल सकते हो। और दोस्तों अगर आपने किसी को चेक दिया है उसके ऊपर आपका बैलेंस घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा तो उसको आप इनवर्ड चेक बोल सकते हो। दोस्तों ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड चेक है इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको वो वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने किसी पॉस पे आपका कार्ड स्वाइप किया यानी कि पीओएस मशीन पे आपने अपना कार्ड को स्वाइप किया और उस समय पे आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा और वो पेमेंट बाउंस हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आपने इस अकाउंट के ऊपर कोई भी ईसीएस किया हुआ है तो उसके लिए अगर वो पेमेंट बाउंस हो जाता है तो उसके लिए आपको 650 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों अगर आप इस अकाउंट में डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। इस अकाउंट पे आपको फिजिकल स्टेटमेंट लेने पर भी 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। तो अगर आप इस अकाउंट में एड्रेस चेंज करते हो या फिर एड्रेस कन्फर्म करते हो उसके लिए भी आपको 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। अगर आप इस अकाउंट में फोटो अटेस्टेड करवाते हो तो उसके लिए भी आपको 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। अगर आप साइन वेरिफिकेशन करते हो तो उसके ऊपर भी आप 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। अगर आप बैलेंस सर्टिफिकेट लेते हो तो उसके ऊपर आपको 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। दोस्तों और दोस्तों इस अकाउंट पे जो एसएमएस अलर्ट है उसके लिए भी आपको पर मंथ 5 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लगेगा। इस अकाउंट से किसी भी फॉरेन करेंसी में वायर ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए आपको फ्लैट 1000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर आप किसी फॉरेन करेंसी एक्सिस बैंक के कोई भी ब्रांच में डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपीज का फ्लैट चार्जेस देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दोस्तों इस अकाउंट के ऊपर अगर आपका कोई भी चेक है जो बाहर से आ रहा है, इंडिया के बाहर से, और वो एक्सिस बैंक के कुरियर की तरफ से आ रहा है तो उसके क्लियरेंस के लिए आपको 50 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस देना पड़ेगा। दोस्तों अगर मान लो आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है और आप ब्रांच विजिट करके इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस लग सकता है। तो इसके ऊपर एक कंडीशन है, अगर आप इस अकाउंट को खोलने के 14 दिन के अंदर इसको क्लोज करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप इस अकाउंट को 15 दिन से 1 साल के अंदर क्लोज करते हो तो उसके लिए आप 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का चार्जेस, अगर आप इसको 1 साल के बाद भी क्लोज करोगे तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आपको एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना ही है तो आप इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट के साथ जा सकते हो। दोस्तों ये जो अकाउंट है ये इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपको इस अकाउंट को खोलने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर देखो अगर आपको चेकबुक लेना होगा तो आपको साइन और फोटो अटेस्टेड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी बैंक आपको चार्जेस लगाता है। दोस्तों अगर आपको कैश डिपॉजिट करना होगा तो आपको किसी दूसरे बैंक से करके इस बैंक पर ट्रांसफर करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप बैंक विजिट करके कैश डिपॉजिट करोगे तो उसके लिए भी आपको चार्जेस लगता है। तो इससे अच्छा तो जो एक्सिस बैंक का इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट है वो इससे बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लो, आपको उस अकाउंट के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी जीरो सेविंग्स अकाउंट को खोलना ही चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा आप NSDL का पेमेंट्स बैंक का अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों उस अकाउंट के वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। दोस्तों एक्सिस बैंक का जो इजी एक्सिस सेविंग अकाउंट है उसका भी लिंक आपको ऊपर कार्ड्स और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों और इसी तरह के बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।